दोस्तों टेक्निकल परिचय में आपका स्वागत है और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग टेक न्यूज की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। तो पहली खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पे सैमसंग से कि दोस्तों जो सैमसंग का अपकमिंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा होने वाला है वो शायद सैमसंग का फ्लैगशिप लाइनअप का सबसे कॉस्टलीस्ट फ़ोन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी रूमर्स निकल के आ रही है कि जो सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज़ इस बार लॉन्च होने वाला है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाली है। दोस्तों इसके बारे में और तो कुछ हमें डिटेल्स पता नहीं चली है, इसके बारे में और कुछ अगर डिटेल्स मुझे पता चली मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों क्या अगर ये फ़ोन एक्सपेंसिव हुआ आप लेना पसंद करोगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी टेक्निक्स की ओर जो कि निकल के आ रही है शाओमी की तरफ से कि दोस्तों जो शाओमी का अपकमिंग रेडमी K30 अल्ट्रा वाला स्मार्टफोन होने वाला है उसमें शायद आपको इस बार एक 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये लीक हमें चाइना के डिजिटल चैट स्टेशन द्वारा पता चली है। तो देखते हैं आखिर ये 120 हर्ट्ज वाला जो डिस्प्ले ये एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है या फिर IPS डिस्प्ले। तो दोस्तों कौन कौन इस Redmi K30 अल्ट्रा वाले स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों यहाँ पे IQ की तरफ से एक खबर आ रही है कि दोस्तों जो IQ का Z1 वाला स्मार्टफोन है ये दोस्तों फाइनली 9 जुलाई को चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो इसका मतलब दोस्तों हमें ये फोन जल्दी इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों क्या आप इस IQ Z1 वाले स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों लगे हाथ यहाँ पे हुआवे की तरफ से भी एक खबर आ रही है कि हुआवे ने दोस्तों अपना एक नया पेटेंट फाइल कर दिया है कि दोस्तों इस बार शायद आपको हुआवे के अपकमिंग स्मार्टफोन में किसी भी एक स्मार्टफोन में एक्सटर्नल लेंस देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि DSLR वगैरह में एक्सटर्नल लेंस आपको लगाना पड़ता था उस DSLR के बॉडी में, वैसे ही आपको अभी हुआवे के स्मार्टफोन में शायद एक्स्ट्रा अटैचेबल लेंस देखने को मिल सकता है। इसके बारे में दोस्तों इसकी कुछ अभी डिटेल्स वगैरह निकल के नहीं आई है और इसके बारे में मुझे अगर कुछ पता चला मैं आपको आने वाले टेक न्यूज में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे पबजी की तरफ से एक खबर आ रही है कि दोस्तों पबजी के जो स्किन्स वगैरह हमें देखने को मिलती है जो हमें एक्स्ट्रा परचेस करना पड़ता है उसमें दोस्तों 17 ईयर्स के पंजाब के एक लड़के ने अबाउट 17 लाख रुपीज तक का पैसा उसमें खर्च कर दिया है। दोस्तों क्या आपने कभी भी पैसा लगा के पबजी के ऊपर कुछ स्किन्स वगैरह खरीदे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी टेक न्यूज की ओर जो कि निकल के आ रही है आत्मनिर्भर इनोवेशन चैलेंज की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने दोस्तों नया आत्मनिर्भर इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है जिसमें से कि उन्होंने जो हमारे टेक कम्युनिटी है जो टेकर है उनको इनवाइट किया है और उनको एक नया आत्मनिर्भर ऐप कम्युनिटी रेडी करने को बोला है। इसमें दोस्तों कि ऐसा होगा जो हमारे इस ऐप में जो इंडियन रिलेटेड या फिर जो नॉन चाइनीज ऐप वगैरह है वही देखने को मिल सकता है। देखते हैं इसके बारे में और क्या खबर निकल के आती है, मैं आपको अपकमिंग टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको आज का टेक्निक्स पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।